ऐसे पराठा बनाएंगे तो सब्जी चटनी किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और चलिए पराठा बनाने स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने 1.5 कटोरी या 1.5 कप गेहूं का आटा लेंगे। यहाँ मैं गेहूं का आटे का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो मैदा का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें 1/2 चम्मच अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को इस तरीके से हाथों पर डाल करके इसे अच्छे से रगड़ लेंगे और इसे आटे में मिक्स करेंगे। अजवाइन से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और अजवाइन हमारे डाइजेशन के लिए भी अच्छा है। और अब हम इसमें 1/2 चम्मच या स्वाद अनुसार आटे में नमक डालेंगे। इस तरह से आटे में नमक डालने से पराठा हमारा बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। और अब हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। यहाँ मैंने देसी घी का यूज़ किया है। आप घी की जगह कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। और घी डालकर हम आटे में घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी या ऑयल डालने से पराठा हमारा बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनता है। और अब हम इसे 20 से 25 सेकंड के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, आटा में घी अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर का थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटे में मिक्स करते हुए हम इसका सॉफ्ट डो लगा के प्रिपेयर करेंगे या तैयार करेंगे। हमें इसमें थोड़ा ही थोड़ा पानी डालना है। एक बार में अगर आप पानी ज़्यादा डालेंगे तो आटा हमारा गीला हो सकता है। और ये देखिए, यहाँ मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटे को अच्छी तरीके से गूंद लिया है। यहाँ मैंने इसे नॉर्मली रोटी या चपाती बनाने के लिए हम जैसा आटा गूंदते हैं वैसा ही यहाँ मैंने इसका सॉफ्ट डो लगा के तैयार कर लिया। और आप देख सकते हैं, डो हमारा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। और अब हम इसे ढक करके 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। तब तक हम मसाला बना लेते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने 7 से 8 उबले हुए आलू लेंगे। यहाँ मैंने आलू को 8 से 10 सीटी लगा के अच्छे से इसे बॉईल कर लिया है। और आलू अभी काफ़ी गर्म है, हम इसे इस तरीके से चाकू में प्रेस कर लेंगे और इसका छिलका इस तरीके से रिमूव कर लेंगे, जिससे हमें आलू को धोना भी नहीं पड़ेगा और आलू का छिलका इजीली रिमूव हो जाएगा। और आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने एक आलू छील लिया है और सेम तरीके से हम दूसरे आलू को भी छील लेंगे। इसी तरीके से आप बिना पानी के भी गर्मा गर्म आलू को इस तरीके से ईजिली इसका छिलका निकाल सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने सारे आलू को अच्छे से छील लिया है और आलू अभी भी हमारे काफ़ी गर्म है। तो हम इसे हल्के हाथों से इस तरीके से प्रेस कर लेंगे या फिर आप इसे गिलास कटोरी से भी इस तरीके से प्रेस कर सकते हैं। यहाँ मैंने इसे मैशर से इस तरीके से दबाते हुए मैश कर लिया है, जिससे गर्म आलू भी हमारे अच्छे तरीके से मैश हो गए हैं। इसे इस तरीके से गरम गरम में ही मैश करेंगे तो ये इजीली मैश हो जाएगा। और ये देखिए, यहाँ मैंने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है, जिससे पराठा बनाते समय पराठा हमारा फटेगा भी नहीं और इसका बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनके तैयार हो गया है। और अब हम मैशर को निकाल लेंगे और इसे हाथ से क्लीन कर लेंगे। और चलिए, अब हम इसे आलू को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज के प्याज को इस तरीके से बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। हमें इसमें बिल्कुल बारीक कटा हुआ ही प्याज डालना है। और अब हम इसमें तीखे के लिए 3 से 4 बारीक कटे हुए हरी मिर्च डालेंगे। और इसमें 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक डालेंगे। 5 से 6 बारीक कटे हुए कड़ी पत्ता डालेंगे। कड़ी पत्ता से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप कड़ी पत्ता की जगह धनिया पत्ता का भी यूज़ कर सकते हैं। और स्वाद अनुसार 1 चम्मच नमक डालेंगे। मसाले को और ज़्यादा कलरफुल और चटपटा बनाने के लिए हम इसमें 1/2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, जिससे इसमें बहुत ही अच्छा कलर आएगा। 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, जिससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अब हम इसमें 1 चम्मच चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला की जगह आप आमचूर पाउडर या नींबू का भी रस यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। और अब हम चम्मच से इन सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो हाथ का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें लास्ट में 1 चम्मच कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे, जिससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से हम आलू में मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, यहाँ हमारा चटपटा आलू का मसाला बनके तैयार हो गया है।
और चलिए अब हम इसके छोटे छोटे बॉल बना लेते हैं जिससे पराठा हमारा इजीली बन जाएगा। और ये देखिए यहाँ मैंने एक मीडियम साइज का पराठे के लिए बॉल बना के आलू के मिक्सचर का तैयार कर लिया है। और सेम तरीके से यहाँ मैंने दूसरा भी बना लिया है। और इस तरीके से आपको जितने पराठे बनाने हैं उतने पराठे का बॉल आप बना करके इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने सारे मसाले का बॉल बना के तैयार कर लिया है। और चलिए अब हम पराठा बनाएंगे। इस आटे को हम चेक कर लेंगे और आप देख सकते हैं 10 मिनट हो गया है, आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। हम इसे हल्के हाथों से एक बार फिर से मिलाते हुए इस तरीके से चिकना कर लेंगे जिससे आटा हमारा और अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। और अब हम इसका इस तरीके से हाथों पे रोल करते हुए इसके पेड़े या लोई तोड़ लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने मीडियम साइज के डो का लोई तोड़ करके तैयार कर लिया है। और अब हम पराठे बनाने के लिए इस तरीके से चकला लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे और इसे अच्छे से फैला लेंगे जिससे आटा चिपकेगा नहीं। और अब हम एक डो लेंगे और डो को आटे के ऊपर अच्छे से रोल करते हुए इसे पेड़ा का शेप देंगे और इसका इस तरीके से पेड़ा बना लेंगे। और अब हम इसे इस तरीके से हल्के हाथों से दबाते हुए अच्छे से फैला लेंगे जिससे ये इजीली फैल जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने सॉफ्ट आटा लगाया, इसके लिए मैं इसे फिंगर से ही इस तरीके से प्रेस कर रही हूँ और ये बहुत ही अच्छा और इजीली फैल रहा है। अब हम एक स्टफिंग के लिए मसाले वाला बॉल लेंगे और इस तरीके से घुमाते हुए डो में स्टफिंग को अच्छे से फील कर लेंगे और इसे हल्के हाथों से इस तरीके से दबा लेंगे। और आप देख सकते हैं स्टफिंग हमारा अच्छे से फील हो गया है पराठे में। और अब हम इसके ऊपर सूखा आटा लगाएंगे और इसे दोनों तरफ से हल्के हाथों से अच्छे से दबा लेंगे। और ये देखिए पराठा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। और अब हम इसे अच्छे से हल्के हाथों से घुमाते हुए बेल लेंगे जिससे पराठा हमारा फटेगा नहीं और बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने पराठे को हल्के हाथों से घुमाते हुए अच्छे से बेल लिया है और पराठा हमारा बिल्कुल परफेक्ट बना है और ये चिपक भी नहीं रहा है। और चलिए अब हम इसे सेक लेते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया था और तवा हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। और अब हम पराठे को तवा पे डालेंगे, गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और 20 सेकेंड के लिए हाई फ्लेम पे हम इसे एक तरफ से सेक लेंगे। और अब हम इसे पलट करके दूसरी तरफ से भी मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। और आप देख सकते हैं पराठा हमारा दूसरी तरफ से भी सिक गया है। और अब हम इसमें घी लगाएंगे। यहाँ मैंने 1/4 चम्मच घी का यूज़ किया, आप चाहे तो ऑयल या बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और घी डाल के हम इसे अच्छे से फैला लेंगे। और अब हम इसके दूसरे तरफ भी 1/4 चम्मच घी लेंगे और घी डालकर हम इसे फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस टाइम पे गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे पलटते हुए दोनों तरफ से हम पराठे को 20 से 25 सेकंड के लिए सेक लेंगे जिससे पराठे में बहुत ही बढ़िया कलर आएगा और पराठा हमारा बिल्कुल परफेक्ट और अच्छी तरीके से सिक जाएगा। और आप देख सकते हैं पराठे हमारे अच्छे से सिक गए हैं। और अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और अब हम दूसरे तरीके से पराठे में स्टफिंग फिल करेंगे। इसके लिए हम एक डो लेंगे और इसका पेड़ा का शेप और इसे इस तरीके से गोल घुमाते हुए हम इसके बीच में गड्ढा कर लेंगे। और ये देखिए स्टफिंग के लिए हमारा डो बनके तैयार हो गया है। और अब हम इसमें स्टफिंग फिल करेंगे और इसे हल्के हाथों से दबा लेंगे और स्टफिंग को इस तरीके से हम बंद कर देंगे या सील कर देंगे। और अब हम इसके ऊपर सूखा आटा लगाएंगे और इसे सेम तरीके से ही हल्के हाथों से हम बेल लेंगे। और ये देखिए हमारा दूसरे तरीके से भी आलू का पराठा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनके तैयार हो गया है और ये बिल्कुल भी नहीं फटा है। तो आपका जो तरीका इजी और अच्छा लगे आप उस तरीके से इस पराठे को बना सकते हैं। और चलिए अब हम इसे भी सेक लेते हैं। और ये देखिए यहाँ मैंने इसे तावे पे डाल के अच्छे से दोनों तरफ पलटते हुए घी लगा करके सेक के तैयार कर लिया है। और चलिए अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने सारे पराठे बना के तैयार कर लिए हैं। और यहाँ मैंने इसे टमाटर केचप और रायते के साथ सर्व किया है। और आप देख सकते हैं पराठे में स्टफिंग हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से फील हुआ है। और अब मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ। और ये देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट
और अच्छा बनके तैयार हो गया है और ये इजीली टूट रहा है। अभी काफ़ी गर्म है और अब आप इसे रायते, केचप, आप इसे इस तरीके से ही प्लेन खाएं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट होता है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मिलती हूँ मैं एक और ऐसी